बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बनाने जा रहे हैं भटूरे। भटूरे पाकिस्तान और इंडिया के अंदर, दोनों मुल्कों के अंदर बहुत फेमस डिश है। जिस तरह हलवा पूरी खाई जाती है, इस तरह भटूरे भी खाए जाते हैं। भटूरे की मुख्तलिफ शक्लें हैं। कुछ फिलिंग वाले होते हैं, दाल माश वगैरह की फिलिंग की जाती है, और कुछ जो हैं बिल्कुल सादा पूरी की तरह होते हैं। तो आज हम जो भटूरे बनाने जा रहे हैं, ये बिल्कुल सादा होंगे। इसको खमीर के बगैर बनाया जाता है, और कुछ खमीर वाले भटूरे भी होते हैं। तो ये इलाके पे डिपेंड करता है कि आप कौन से इलाके में और किस तरह की डिश जो है आप खा रहे हैं। आज जो हम भटूरे बनाने वाले हैं, ये बिल्कुल सादा हैं, घर पर बड़ी आसानी से बनाए जा सकते हैं। कोई ज़्यादा इन्ग्रीडियंट्स की आपको ज़रूरत नहीं है। तो किस तरह फूले हुए भटूरे बनेंगे, आप इंशाल्लाह आज मैं आपको बताता हूँ। आधा किलो मैदा आपने लेना है। इसके लिए जो आटा है, वो दो किस्म का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक मैदा, और दूसरे नंबर पे आप फाइन आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को फाइन आटे का भी नहीं पता, तो बारीक सूजी की तरह का आटा ही होता है वो, जो कि फ्लोर मिल से निकलता है। सबसे पहले इसके अंदर नमक जाएगा, एक टीस्पून भर के नमक, आधा किलो मैदा है। तो ये जो छोटी छोटी टिप्स हैं, उन्हीं से आपने इसको देखना है रेसिपी को, ताकि ये अच्छे तरीके से बन सके। मीठा सोडा, तो 1/4 टीस्पून जो है वो मीठे सोडे का जाएगा, ज़्यादा नहीं डालना। और उसके अलावा इसके अंदर डालेंगे हम घी। घी या ऑयल, दोनों चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो तकरीबन इधर दो से तीन टेबलस्पून आपने ऑयल डालना। कुछ लोग जो है शुगर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चीनी जो है या शुगर जो है वो उस टाइम इस्तेमाल की जाती है जब खमीर ऐड किया जाता है, क्योंकि चीनी से खमीर बहुत अच्छे तरीके से फूलता है। तो इस रेसिपी के अंदर खमीर नहीं है, तो चीनी की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसको जो है मिक्स करेंगे, और पानी के साथ इसको गूंद लेना। इसके अंदर पानी शामिल कर रहे हैं, ये 240 ml पानी है। ये एक दफ़ा मैं डाल रहा हूँ, फिर और ज़रूरत पड़ेगी तो हम डाल सकते हैं। अगर आप इसको हाथ से इसकी रोटी बनाना चाहते हैं, तो फिर तो आपको लाजमी बात है नरम चाहिए। अगर बेलन से भी बनाना हो, तो फिर भी आपको बहुत ज़्यादा सख्त नहीं चाहिए। ये थोड़ा सा पानी और डालेंगे, 1/4 कप के करीब। अच्छा, ये देखें डो जो है अब इस शक्ल में आ गई है। अब आपने क्या करना है कि इसको इस तरह मारना है, इसकी थोड़ी सी पिटाई करनी है। उससे क्या होगा कि ये ग्लूटेन बनने की बजाय ये मैदा जो है नरम होगा। तो इसको जो है इस तरह ये टेक्निक है एक, जिससे मैदा जो है बड़ी जल्दी ढलना शुरू हो जाएगा और बड़ी जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। फिर जो है भटूरे आपके अच्छे तरीके से फूलेंगे। डो हमारी तैयार हो चुकी है। अब ये देखेंगे, इसको मैं अगर दबाता हूँ तो ये बाउंस बैक करेगी वापस। ये पोर जो है, ये सुराख जो है फिल हो जाएगा इसी डो से। इसके अंदर इलास्टिसिटी होनी चाहिए, देखें। तो अब आपने क्या करना है कि ये मेरे पास घी है, इसको जो है इसके ऊपर घी लगा देना, ताकि इसके ऊपर क्रैक्स ना आए, मैदा सूखे ना, क्योंकि इसको हमने 15 से 20 मिनट के लिए राइज होने के लिए रखना है। जो इसके अंदर हमने सोडा डाला हुआ है वो अपना काम करेगा। किसी गीले कपड़े से ढक दें, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत है, तो ये बहुत जल्दी सूख जाएगी ऊपर से। अब भटूरों के लिए जो चने हैं, वो भी हम बनाएंगे बिल्कुल सादा और आसान रेसिपी से। ये 250 ग्राम चने हैं, जिनको मैंने थोड़ी देर पहले भिगोया था। अगर आप ओवरनाइट भिगो दें तो सबसे बेहतर है। उससे क्या है कि इनके अंदर जो गैसेज वगैरह होती हैं वो निकल जाती हैं। उसके बाद इसके अंदर आपने 1 पाव चने, 1 टीस्पून नमक, तकरीबन 1/2 टीस्पून के बराबर जो है इसके अंदर मीठा सोडा, और 1/2 टीस्पून ही इसके अंदर आपने हल्दी डाल लेनी है। अब ये जो है पानी बन जाएगा, जिसके अंदर हमने इसको उबालना है। यही इसके अंदर चीज़ें जाएंगी, इसी को आपने डाल लेना है इस कुकर के अंदर। ये जो हल्दी डाली है, इससे इसके अंदर कलर अच्छा आ जाएगा। अब इसको बंद करके आपने इसको बॉयल कर लेना है। नरम होने चाहिए चने आपके, बिल्कुल नरम होने चाहिए। तो इसको मैं कुकर लगाता हूँ और इसको बॉयल कर लेते हैं। आटे को तकरीबन 1/2 घंटा ही गुजर चुका है पड़ा हुआ, और ये सॉफ्ट हो चुका है, अब अच्छी तरह नरम हो चुका है, ढल भी चुका है। तो इसके जो है अब हम पेड़े बना लेंगे। पेड़े जो हैं उनको एक ही साइज़ का होना चाहिए। तो उसके लिए जो है सबसे आसान तरीका है कि आप इसको ये देखें इस तरह पकड़ें, और हाथ से इस तरह इनको काट लें, तो ये गोल भी बनेगा और एक शक्ल एक साइज़ के भी बन जाएंगे। ये देखें जी, चने मैंने उबाल दिए थे, इनका जो पानी है वो इन्हीं के अंदर है, वो पानी हमने ड्रेन नहीं किया, तो उसको इसी के अंदर रखेंगे। और इधर जो है एक पैन के अंदर आपने तकरीबन 1/4 कप ऑयल ले लेना। इसके साथ एक बड़े साइज़ की प्याज थी, उसको बारीक चॉप कर दिया मैंने, और इसको इसके अंदर डाल देंगे। जब प्याज थोड़ी सी फ्राई हो जाए, तो इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून वो डाल दें, 1 टेबल स्पून सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डाल दें, और ये सारी चीज़ें जले ना, इसके लिए इसके अंदर तकरीबन 1/2 कप के करीब पानी डाल लें।
और इसको अब जो है इधर अच्छी तरह पकने दें। तो ये सारी चीज़ें अदरक लहसुन सब्ज़ मिर्च जब थोड़ी सी कुक हो जाएं तो इसके अंदर हम मसाले शामिल करेंगे। एक टीस्पून लाल मिर्च, एक टीस्पून ज़ीरा, डेढ़ टीस्पून धनिया पाउडर है सारे, और आधा टीस्पून गरम मसाला ये इसके अंदर आप डाल दें। धनिया इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, उसका बहुत बेहतरीन फ्लेवर आता है। मसाला जब पक जाए और ऑयल इस तरह अलग होने लगे तो इसके अंदर आपने दही शामिल करना है। ये मेरे पास दही है तो एक कप इसके अंदर हम दही डालेंगे। तो इसको आपने अच्छी तरह कुक कर लेना है ताकि ये मसाले के साथ ये भी पक जाए, इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाएगा दही का। दही जो है इस मसाले के अंदर कुक हो जाए तो ये जो चने उबाल के रखे हैं हम ये इसी तरह डाल देंगे। और हल्दी इसके अंदर थी तो कलर वहाँ से आ जाएगा, नमक भी इसके अंदर था तो नमक हमने अभी तक और शामिल नहीं किया। हम चेक करेंगे, अगर नमक इसके अंदर हमें कम फील होगा तो हम इसके अंदर नमक डालेंगे, अदरवाइज़ इसके अंदर यही नमक जो है वो काफ़ी है। इसके अंदर पानी डालेंगे, अभी पानी कम है तो तकरीबन डेढ़ से दो कप पानी डाल लें ताकि ये अच्छी तरह कुक हो जाए। इसी पॉइंट पे इसके अंदर आपने कोई चार से पांच सब्ज़ इलायचियाँ डालनी है। तो जी चने इधर हल्की आग पे मैंने रखे हुए हैं ताकि ये मसाला अच्छी तरह कुक हो जाए। देखने में तो बड़े बेहतरीन लग रहे हैं, सादा बिल्कुल रेसिपी है लेकिन फ्लेवर अच्छा है इसका। उसके बाद आपने क्या करना है, ये मेरे पास थोड़ी सी जायफल है, थोड़ी सी जावित्री है और दो तीन लौंग हैं, इनको आपने इधर रख के इसको पीस लेना है। पाउडर अगर आपके पास पहले से बना पड़ा हो तो वो भी ठीक है, वरना इसको बारीक पाउडर बना लें। और ये थोड़ा सा मसाला लेके इसके ऊपर हम डाल देंगे ताकि इसकी जो खुशबू है वो बढ़ जाए। ये लें जी, नमक इसके अंदर मैंने चेक किया है, नमक कम है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। ये तकरीबन आधा टीस्पून से पौना टीस्पून मैं और डाल रहा हूँ इसके अंदर। नमक डालने के बाद इसको आपने हल्की आंच पे थोड़ी देर कुक करना है ताकि ये पानी इसके अंदर जो डाला है वो अच्छी तरह कुक हो जाए, फ्लेवर्स जो हैं वो अच्छी तरह सारे मिक्स हो जाएँ तो, और ऑयल इसका अच्छी तरह ऊपर आ जाए। और ये पेड़े जो हैं हमारे बिल्कुल तैयार हैं तो इनको जो है इधर से लेके और इसको जो है थोड़ा सा बड़ा करेंगे हम। अच्छा, भटूरा अगर आपने बड़ा बनाना हो तो इसको आप अपने पसंद के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको हम मोटा रखेंगे ताकि ये नरम हो और बहुत ज़्यादा पूरी की तरह साइज़ में बड़ा और पतला ना हो। और करना आपने यही है कि सूखा वगैरह इसको नहीं लगाना, इसको इसी तरह बेलन की मदद से आप बड़ा कर लें और थोड़ा सा थिक होना चाहिए इसको। अब जो है इसको हम शामिल करेंगे गरम ऑयल के अंदर। ऑयल से अब ये देखेंगे इस ऑयल में से धुआं निकल रहा है तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे इसको। और ये देखें किस तरह भटूरा आपका फूल गया, जिस तरह गुब्बारा होता है। अब इसको दोनों साइडों से आपने करना है और कढ़ाई थोड़ी सी कोशिश करें बड़ी हो ताकि इसके ऊपर ऑयल चढ़ाया जा सके, या फिर आप इस तरह कढ़ाई से इसको हलाते रहें तो नीचे से अच्छी तरह पक जाए तो साइड चेंज करके फिर दूसरी साइड से पका लें। बस ज़्यादा नहीं पकाना वरना क्या होगा, हार्ड हो जाएगा। अब ये देखें कि बेहतरीन भटूरा पक चुका है, क्योंकि ये मैदा है और इसको पकने में टाइम नहीं लगता, जैसे ही फूला समझे पक गया है, इसीलिए इसका ऑयल इतना गर्म रखा जाता है। ये लें जी, दूसरा गुब्बारा आपका पक गया है और ज़बरदस्त जो है भटूरे हमारे जो फूल रहे हैं। तो ये जितनी भी टेक्निक्स हैं उनको आप फॉलो करेंगे तो आपके इसी तरह के जो भटूरे हैं वो आपके इंशाल्लाह पकेंगे। तो जी भटूरे हमारे पक गए हैं, अब जो है टेस्ट करते हैं। और ये चने देखें किस तरह बेहतरीन ग्रेवी इनकी बन गई है, बिल्कुल सादा रेसिपी लेकिन टेस्ट बहुत आला है इसका। ये देखिए, और इधर से ये जो भटूरे हैं इनको देखें कि ये नरम है बिल्कुल, ये देखें। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत आला,
नाश्ते में इसको बना के इंजॉय करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर मज़ा आएगा। मेरे ख्याल में हलवा पूरी से ज़्यादा बेहतरीन भटूरे लगते हैं, क्योंकि हलवा पूरी पकने के बाद वो इतनी बारीक होती है कि वो ऑयली बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन इसमें वो मसला नहीं है। इसका ज़्यादा फ्लेवर है, सॉफ्ट है बिल्कुल, और बहुत बेहतरीन है। और ये जो चने हैं ये भी बहुत आला है। ये देखें, अचार इसके साथ रख लें, और ये जो भटूरे हैं इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा करवाने वाले हैं। चनों का बड़ा बेहतरीन टेस्ट है, और ये जो भटूरे हैं ये भी माशाल्लाह बहुत आला टेस्ट है इनका। और ये तो देखें कि अभी तक किस तरह फूला हुआ है, ये देखें, और सॉफ्ट हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हार्ड हो गए हैं, ये देखें, ये देखें। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके नाश्ते को चार चांद लग जाएंगे। आपसे ज़रूर मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।